दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज हो कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्लास 11th में क्लास 9th में एडमिशन इस साल कब से स्टार्ट होने वाले हैं? तो आज के वीडियो में आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और अब आपको पता चल जाएगा कि जो एडमिशन्स है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की, जो कि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि प्लानिंग चल रही थी स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने की। और मैंने ये भी बताया था कि छोटी क्लास में एडमिशन नहीं होंगे, यानी 9वीं क्लास से नीचे एडमिशन नहीं होंगे इन स्कूलों में। तो आज यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ के बताने वाला हूँ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है ये सारी, और वहीं पर आपको डेट्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी डेट को यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, नवोदय टाइम्स की मैंने यहाँ पे साइट खोली है, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 15 अगस्त से शुरू होंगे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, यानी 15 अगस्त से एडमिशन होने के स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। बिकॉज अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस थे साथ में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय थे, उन सभी में से कुछ स्कूलों को मिलाकर 20 यहाँ पे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस को 15 अगस्त से स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो स्कूल्स हैं उनको 2 साल के अंदर अंदर बना लिया जाएगा। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने मंगलवार को दिल्ली स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस और दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सोसाइटी की दूसरी जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की और 15 अगस्त तक 20 एक्सीलेंस को लॉन्च करेगी, ऐसा यहाँ पे बोला हुआ है, जिसमें आपके 8 जो हैं स्टेम के 8 स्कूल होंगे, ह्यूमैनिटीज यूनिटी व 21st सेंचुरी हाई एंड स्किल्स के 5-5 स्कूल्स होंगे, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स के 2 स्कूल, और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के इन स्कूलों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित ह्यूमैनिटीज विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स तो 21वीं हाई एंड स्किल क्षेत्रों को। तो यानी आपका क्या है कि यहाँ पे स्किल बेस्ड अप्रोच, जैसे कि अभी DSE जो यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली थी स्किल बेस पे, सिमिलरली यहाँ पे ये स्कूल्स खोलने की तैयारी में है कि जो बच्चा है वो 9th क्लास से ही स्किल के हिसाब से पढ़ाई करे, ठीक है, स्किल बेस से ही वो पढ़ाई करे। ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज में आके स्किल बेस से पढ़ाई करे, पहले तो कॉलेज में भी स्किल बेस से पढ़ाई अभी तक नहीं होती है मोस्टली, अभी DSEU स्टार्ट किया है स्किल बेस के लिए, लेकिन अब यहाँ पे स्कूल बेस पे भी आपकी जो है स्किल्ड से पढ़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, तभी यहाँ पे नाम रखा हुआ है स्पेशलाइज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यानी स्पेशलाइज आपको स्किल सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक स्कूल में आपको सारी स्ट्रीम्स सिखाई जा रही है, किसी स्कूल में आपको ह्यूमैनिटीज, किसी स्कूल में आपको हार्ड स्किल्स, किसी स्कूल में साइंस, किसी स्कूल में कॉमर्स, उस हिसाब से यहाँ पे आपका स्कूल डिज़ाइन करे जा रहे हैं। तो ये एक न्यू इनिशिएटिव है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है, और 20 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 15 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश ये लोग कह रहे हैं कि हो जाएंगे। और इन जो स्कूल हैं इनको DBSE में शामिल किया जाएगा, यानी दिल्ली बोर्ड ऑफ, जैसे CBSE होता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन, ऐसे दिल्ली बोर्ड स्कूल एजुकेशन यहाँ पे बनाया हुआ है और इनमें यहाँ पे ये ऐड होंगे। तो ये CBSE के बराबर ही है, मतलब वो एक सेंट्रल लेवल पे है, ये दिल्ली लेवल पे है। तो ये चीज़ है, और 2 सालों में यहाँ पे पूरी जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का यहाँ पे इनका जो मिशन है वो पूरा करेंगे ये 2 सालों के अंदर। फिलहाल यहाँ 20 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि 15 अगस्त से पहले तो कोई यहाँ पे ऐसा दिक्कत नहीं है, यानी 15 अगस्त के आसपास आपका नोटिस आएगा, और जैसे ही नोटिस आता है मैं आप लोगों को बता दूंगा, 9th के एडमिशन हो चाहे 11th के एडमिशन हो। मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी और मैं इस साल भी वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इस साल काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो मुझे काफ़ी सारी जो उसके ऊपर नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे स्कूल आपके होंगे कि आप किसी एक फील्ड में जाना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपका एडमिशन होगा एरिया वाइज, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी से जितनी भी क्लैरिटी थी वो मिल गई होगी, बिकॉज काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो इस डाउट में थे कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, कहीं फेक न्यूज़ भी आ रही थी कि स्टार्ट हो गए हैं, नोटिस आ गया है, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे जो कि जो गवर्नमेंट के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं वही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए है, लेकिन नहीं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए क्योंकि तैयारी चल रही थी इसलिए स्टार्ट नहीं हुए थे, कोरोना खत्म हो गया था फिर भी स्टार्ट नहीं हुए थे, तो हम लोग कंफ्यूज थे कि क्यों नहीं हो रहे थे, तो वो इसलिए नहीं हो रहे थे बिकॉज इन स्कूल्स को एक स्पेशलाइज में बनाने की तैयारी चल रही थी। तो अब देखते हैं इनका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, एंट्रेंस कैसे होता है, इन सब की जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और कॉलेज रिलेटेड गाइडेंस हो गई, एडमिशन रिलेटेड गाइडेंस हो गई, अगर आप 11th, 12th, 9th, 8th, 9th क्लास से ऊपर अगर किसी भी क्लास में हो या कॉलेज में हो तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल एक राइट चैनल हो सकता है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से हो मेरे,
चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, सो दैट लेटेस्ट वीडियो और कोई भी जानकारी आती है तो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। इसी के साथ सोशल मीडिया पे अगर मेरे साथ आप कनेक्टेड नहीं हुए हो तो हो जाओ, बिकॉज वहाँ पे आपके सारे जो डाउट्स हैं पर्सनली कनेक्टेड हो सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं उसका जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल सके। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट्स अपने पूछ सकते हो। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जो जो कन्फ्यूज थे आपके नोन में। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।